भारत सरकार में केंद्रीय कह सकते हैं संस्कृति मंत्रालय ने जो डिसीजन लिया है 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? अब इससे पहले भी जयंतियाँ मनाई गई, क्यों मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस? क्योंकि कहा गया कि कहीं ना कहीं नेताजी का नाम लोग विस्मृत करते चले जा रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है उनकी चीजों को याद नहीं किया जाता। तो एक विचार आया कि जिस पराक्रम से उन्होंने देश और विदेश में जाके अपने देश की बात रखी, विचारों को रखा और उसे आजाद कराया आजादी फौज के गठन से, तो क्यों ना उस पराक्रम को लेके हम आगे बढ़े और अपने देश का नाम उनके नाम से जाना जाए कि हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें आजादी दिलाई अपने पराक्रम के माध्यम से। उन्होंने भी युवा पीढ़ी में कहीं ना कहीं पराक्रम का एक दोष एक विचारधारा बनी। उन्होंने कहा कि अगर आप आजादी चाहते हो तो आपको उसके बदले में आपको अपना पराक्रम और साहस दिखाना होगा। तभी एक कोरे कागज पर उन्होंने कहा कि जिसको भी इस फौज में शामिल होना है, जो हमारा साथ देना चाहता है, पहले अपना एक खूनी हस्ताक्षर, आपके अंदर ये जज्बा है, ये पराक्रम, ये साहस है कि आप अपने खून से एक हस्ताक्षर कर सकते हो, तब मैं मान सकता हूँ कि आप हमारे देश के लिए अपना नमू बहा सकते हो। तो अगर आपके अंदर साहस है, पराक्रम है, तो मैं आपकी सेना में आपको लेता हूँ। उसी विचारधारा को आज हमें अपनी युवा पीढ़ी में फैलाना है कि अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, कुछ कार्य करना है, तो आपको भी पराक्रम में साहस दिखाना होगा। सिर्फ मन ही मन सोचे रहिए कि हमारा एक लक्ष्य है या हमें इस चीज से समस्या है, ये समाधान नहीं निकल रहा है, तो उसका कभी समाधान नहीं निकलेगा। आपको समाधान पता भी है, लेकिन अगर आप साहस नहीं दिखाओगे किसी भी चीज के लिए, तो आप फिर उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाओगे। हम आगे जाते रहते हैं, हमारे सामने बहुत सी समस्याएं कर दी, ऑटो में जाएंगे, रिक्शे में जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सिर्फ हम दबे मन से उड़ते रहेंगे कि ये समस्या आ रही, ये समस्या आ रही, कभी हम साहस नहीं दिखाते। जैसा कि मैम ने कहा कि हमें घरों में भी समस्याएं होती हैं, बहुत जगह चीजें होती हैं, लेकिन क्या कभी आप साहसिक रूप से खड़े होते हो कि हमें ये समस्या, हमें इसका समाधान निकालना है? चार लोग कब आपका साथ देंगे? जब आप खुद अपने लिए खड़े होंगे, और जब तक आप खुद अपने लिए साहस नहीं दिखाओगे, तब तक अगला कोई भी आपका सहयोग या सहायता नहीं करेगा। तो अगर आज हम ये दिवस मना रहे हैं पराक्रम दिवस के रूप में, तो हम एक अपने से ये शपथ लें या अपने से प्रतिज्ञा करें कि हम हर समस्या का समाधान एक साहसिक रूप में करेंगे,